आप किस विषय पे दिया आपने? ये ज्ञापन देने का मेन कारण हमारा यही था कि हमने एक शिकायत करी थी, जो शिकायत पे अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उस सुनवाई को सुनते हुए पुलिस कर्मियों को भी सुना गया, मुझे भी सुना गया, सुनते हुए उन्होंने आदेश पारित किए हैं। उस आदेश के अनुसार ये जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग ऋषिकेश में गुंडागर्दी और भू माफिया किस्म के लोग हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई न्यायसंगत में लाई गई है, इनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये लोग, इनके लोगों का काम यही है कि शहर की जो संपत्तियां हैं उनको कब्जाना, अवैध निर्माण करना, ऐसे ऐसे आरोप इन पे लगते आए हैं। अभी कुछ समय पहले भी आपने देखा होगा कि इनके ऊपर आरोप लगे थे, इन्होंने सरकारी खंभे पोत दिए थे। और मैं समझता हूँ ये उस तरीके के व्यक्ति हैं कि अगर इनको ऋषिकेश विधानसभा की जनता मौका देती है सेवा का, तो ये आपके घर के बाहर अपने नाम की प्लेट लगा जाएंगे और अगले दिन आप पे दावा ठोकेंगे कि ये संपत्ति मेरी है। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए आज हमने जो SDM महोदय के माध्यम से उत्तराखंड मुख्यमंत्री, राज्यपाल जी को, मुख्य सचिव जी को, अल्पसंख्यक आयोग को, मानवाधिकार आयोग को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये वो व्यक्ति हैं जो संविधान में यकीन नहीं रखते, क्योंकि हमारी जो संवैधानिक इकाई है अल्पसंख्यक आयोग, उनके द्वारा आदेश पारित किए गए हैं और ये लोग उसी का विरोध कर रहे हैं। और जैसा कि हमने ज्ञापन दिया, ज्ञापन में हमने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा है कि ये आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, इनके द्वारा जैसे ही इनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, इनके कुछ व्यक्ति जो मेरा पीछा लगातार कर रहे हैं, इनसे मुझे जान माल का पूरा खतरा बना हुआ है। अगर मुझे या मेरे परिवार को एक खरोच भी आती तो उसके जिम्मेदार यह लोग होंगे।